हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैन, कूड, मे, माइट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैन का अर्थ अगर हिंदी में देखा जाए तो कैन का मतलब होता है सकना, सकता है, सकेगा। इन सभी के लिए हम कैन का यूज करेंगे। और कैन का यूज जो है क्षमता प्रदर्शित करने के लिए होता है कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं पेड़ काट सकता हूँ। ये सभी के लिए आपकी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए कैन का यूज होगा। और कैन का यूज जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, हमें इसे याद रखना है। और इसके बाद हम कूड को पढ़ेंगे, वह पास्ट टेंस में यूज होता है। कैन केवल प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही यूज होगा, ठीक है। और हमें एक चीज़ और याद रखना है कि जितने भी मॉडल हैं कैन, कूड, मे, माइट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। हम कैन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। यहाँ पर कर सकता हूँ मतलब आपकी एबिलिटी को दिखा रहा है कि आप कर सकते हो। तो इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो कैन को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वह इंट्रोगेटिव बन जाएगा, क्या मैं कर सकता हूँ। और अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो आई कैन डू दिस, मैं यह नहीं कर सकता। हम इसमें कैन के यूज के साथ साथ उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी सीख लेते हैं। अब हम कैन का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ पर भी एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए कैन का यूज किया गया है। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव देखें तो क्या मैं कर सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कैन को सब्जेक्ट से पहले यूज किया गया है। और अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। तो कैन का यूज जहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है, वहीं कूड का यूज जो है पास्ट टेंस में होता है। तथा या सका आए तो वहाँ कूड का यूज करेंगे। और इसके साथ ही इनडायरेक्ट स्पीच जो नरेशन होता है उसमें भी कैन के जगह कूड का यूज किया जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कूड टॉक इंग्लिश विथ अस, कूड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसे हमेशा याद रखना है कि कैन, कूड, मे, माइट सभी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वह हमारे साथ अंग्रेजी बोल सका। यहाँ पर सका के लिए कूड का यूज किए हैं क्योंकि यह पास्ट टेंस में है, तो कैन के जगह कूड का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, ही कूड कम दिल्ली, ठीक है। यहाँ भी कूड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। वह दिल्ली आ सकता था, ठीक है। यहाँ पर कूड का यूज जो है सकता था के लिए हुआ है। हम एक एग्जाम्पल इनडायरेक्ट स्पीच का भी देख लेते हैं जिसमें कूड का यूज हुआ है। तो एग्जाम्पल है, ही सेड मी दैट आई कूड ड्राइव कार, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में कैन होता है तो उसका कूड हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उसने मुझे कहा कि मैं कार चला सकता था, ठीक है। यहाँ सकता था के लिए कूड का यूज हुआ है। बाकी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसे हम नरेशन में आगे देखेंगे अच्छे से। तो अभी हम केवल कूड का यूज देख रहे हैं जो कि पास्ट टेंस में होता है। तो चलिए अब हम अगले मे और माइट का यूज कैसे होता है देख लेते हैं। मे का यूज जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही होता है। कैन का जैसे होता है वैसे मे का यूज होता है, लेकिन अगर संभावना ज़्यादा हो तो कैन के जगह मे का यूज करते हैं। तो इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो हो सकता है ऐसा अगर सेंस आए तो हम मे का यूज करेंगे। और इसके लिए तीन कंडीशन है मेनली, ये तीनों कंडीशन में मे का यूज किया जाता है। जैसे अगर हमें परमिशन लेना है, जैसे मे आई कम इन सर, तो अनुमति लेना है तो इसके लिए मे का यूज करेंगे। अगर कोई संभावना है, पॉसिबिलिटी, तब भी मे का यूज करेंगे। और अगर हमारी इच्छा है, विश करेंगे किसी को, तब भी मे का यूज करेंगे। तो हम इसका सभी का एग्जाम्पल देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो। और हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि मे के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। अनुमति में कैसे मे का यूज होगा, पहला एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है, आप सभी यूज करते होंगे और किए होंगे स्कूल में। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर हम अनुमति मांग रहे हैं सर से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर मे यूज हुआ है। हमें अगर परमिशन चाहिए किसी चीज़ की तो हम मे का यूज करेंगे, ठीक है। हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मे के बारे में। जैसे मे आई यूज़ दिस, क्या मैं इसे उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पर भी अनुमति मांग रहे हैं कि क्या मैं इसे उपयोग कर सकता हूँ, तो यहाँ भी मे का यूज हुआ है। हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है कि आप जा सकते हैं। हम विश करते हैं तो हम मे का कैसे यूज करेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ पर मे का यूज इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा भगवान आपका भला करे, ठीक है। यहाँ पर विश कर रहे हैं इसलिए मे का यूज करेंगे। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें मे का यूज विश के लिए किया गया है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव है, ठीक। मे आई विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है। यहाँ पर मे का यूज जो है
विश के लिए किया गया है लेकिन यह इंट्रोगेटिव है, तो इसका हिंदी में होगा क्या मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकता हूँ। अब हम अगले पॉसिबिलिटी संभावना के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि मे का यूज पॉसिबिलिटी में कैसे होगा। तो पहला एग्जांपल है ही मे कम टुडे, ठीक है। यहाँ पर मे का यूज जो है पॉसिबिलिटी संभावना के लिए हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि वह आज आ सकता है, तो संभवतः वह आ सकता है मतलब यहाँ संभावना है, इसलिए यहाँ मे का यूज हुआ है और मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, इसे हम याद रखना। अगला एग्जांपल देख लेते हैं मे बी सनराइज टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर भी संभावना व्यक्त किया गया है कि आज सूर्योदय हो सकता है, ठीक है। मे के बाद हम माइट के बारे में भी देख लेते हैं कि माइट का यूज कहाँ होता है, पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। जैसे मे का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है, वैसे ही माइट का यूज पास्ट टेंस में होता है और इसका हिंदी में होता है सकता था। जब भी किसी सेंटेंस में सकता था हो और संभावना अधिक हो तो हम माइट का यूज करेंगे, और साथ ही इसका नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में भी मे के जगह माइट का यूज होता है। पहला एग्जांपल है ही माइट गो दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर माइट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है गो, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा वह दिल्ली जा सकता था, ठीक है। यहाँ सकता था के लिए माइट का यूज हुआ है। अगर पास्ट टेंस हो और संभावना बहुत अधिक हो तो कुड के जगह माइट का यूज करते हैं। हम इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि माइट का यूज उसमें कैसे होगा। ही सेड मी दैट आई माइट गो इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर माइट का यूज हुआ है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, तो इसे हमें याद रखना है। और इसमें संभावना जब बहुत अधिक हो पास्ट टेंस में तो माइट का यूज करते हैं। उसने मुझे कहा कि मैं अंदर जा सकता था, ठीक है। यहाँ सकता था के लिए माइट का यूज हुआ है। हमें कैन कूड में माइट के बारे में बस इतना ही जानना है।